आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज एक वीडियो और लेकर आप लोगों के साथ हाजिर हुआ। इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि पहले हम लोग पाउडर कोटिंग का काम करते थे, ठीक है, सारे जितने उसमें पाउडर कोटिंग के बारे में इसी फैक्ट्री में बताया गया था कि जी हम लोग इस तरह गन के साथ स्प्रे करते हैं, इस तरह पाउडर कोटिंग करते हैं और फिर ये काम करते हैं, हमारा ये तरीकाकार है। लेकिन आज इसी फैक्ट्री को हमने नीचे से, जो पीछे मेरे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये प्राइमर के साथ नीचे से कोट करना है, ठीक है। तो इसकी बेस जो नीचे स्तारी जैसे कहते हैं वो कर दी हुई है, ठीक है, जो बेस होती है वो तो हमने कर दी हुई है। तो अब ये सब सूख जाता है तो इसके ऊपर प्राइमर करेंगे, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अमल आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या सामान यूज़ किया, किस तरह का सामान यूज़ किया। आइए देखते हैं। वीवो प्राइमर करने से पहले नीचे ये अंडर कोट किया गया, जो अभी आप लोग को नज़र आ रहा है ये नीचे रोल के साथ कर दिया गया हुआ है, ठीक है। अब जब ये सूख जाता है तो फिर हम लोग इसके ऊपर प्राइमर का कोट करेंगे, हम लोग को बताएंगे। अगर ये वही फैक्ट्री है लेकिन अब नीचे इसके कोट कर दिया हुआ है, तो अब हम लोग इसे दूसरी तरह इस्तेमाल करेंगे। हेलो व्यूअर, कैसे हैं आप? पहले हम लोगों ने लाल कलर किया था ना, तो आप जो कलर कर रहे हैं वो प्राइमर है और उसका कलर भी सीमेंट कलर का, ठीक है, ग्रे कलर है। तो आप लोगों को तफसील के साथ समझाता हूँ, ये सारा टोटल ए टू जेड मैंने किया हुआ है, ठीक है। इसमें काफ़ी टाइम लगा मेरा, तो जो पहले वाला था लाल वाला उसमें ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन इसमें उसकी भी नस्बत बहुत ज़्यादा कम टाइम लगा, तकरीबन 2 घंटों में मैंने मुकम्मल किया ये नीचे जो अंडर कोट होता है वो भी और प्राइमर भी। तो मैं अभी आप लोगों को शेयर करता हूँ, आप लोगों के साथ जगह भी देख लें। और एक बाल्टी रंग की थी जो मैंने पूरी इस्तेमाल की है, 2 घंटों में मुकम्मल कोर्स किया इसका सारा। आज वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपना दाम बताएं। ओके, ये देख रहे हैं आप, ये 12 मीटर लंबी ओवन है हमारी। तो इसकी शेडो के ऊपर नीचे मैंने प्राइमर किया, पहले अंडर कोट लगाया सारा मुकम्मल, इतना ही है सारा मैंने कर दिया हुआ मुकम्मल, और 2 घंटे के अंदर मेरा ये सारा कंप्लीट हुआ मुकम्मल मैंने खुद किया। ये लंबी 12 मीटर ओवन है,
तो इसके साथ में ये सामान रखने की जगह थी इधर ही, क्योंकि नहीं है वो ना चल नहीं, तो इसके लिए सारी मैनेजमेंट की गई है, कलर किया गया। देख लेंगे सारी जगह, इधर साइड पर कैबिन लगेगा वो जो उस साइड पर, इधर बोथ होगा कबीना जिसे कहते हैं कलर करने वाला, इस जगह पर लगेगा। ठीक है चलो जी, साथ ही रहेंगे आप लोगों के साथ ही साथ रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके व्यूअर, बाय।